गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वी आर स्टडिंग चैप्टर नंबर 6, फिजिकल एंड केमिकल चेंज। एंड टुडे वी आर स्टडिंग अबाउट फिजिकल चेंज। दो चेंज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए सब्सटेंस। देन आफ्टर वी विल स्टडी द फिजिकल चेंज। सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि किसी भी पदार्थ की, किसी भी सब्सटेंस के फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं। जैसे कि मेरे हाथ में एक स्टोन है, तो स्टोन को देख करके, को मैं सूंघ करके, छू करके उसकी जो प्रॉपर्टीज बता सकता हूँ, दैट आर इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज, लाइक इट्स स्टेट, दैट इट इज सॉलिड, लिक्विड और इट इज गैस, यू कैन टेल। ओके, इफ यू आर सीइंग, इफ आई एम हैविंग ए स्टोन इन माई हैंड, आई कैन टेल दैट इट इज सॉलिड इन द स्टेट, मीन्स इसकी जो स्टेट है सॉलिड। I can tell its size also, and I can tell its color. I can smell it, and I can tell its smell also. And if the substance can catch fire or not, and how it is burning, I can tell. Okay, कि पदार्थ ज्वलनशील है कि जलता नहीं है, जैसे आप स्टोन को देख के बता सकते हैं, इट कैन नॉट बर्न। ओके, तो हम बता सकते हैं इट इज नॉट अ कम्बशनेबल, कम्बस्टेबल कहेंगे, इट इज नॉट कम्बस्टेबल। एंड द कम्बस्टेबल मटेरियल आर ऑफ टू टाइप। यदि कोई पदार्थ जलता है तो वो दो प्रकार के होते हैं, वन इज गिविंग स्मोक एंड वन इज बर्निंग विदाउट स्मोक। सो वी कैन टेल दैट गिविंग स्मोक मीन्स इट इज एरोमेटिक। जैसे जो धुआं के साथ जलता है वो एरोमेटिक होता है, एंड दैट इज बर्निंग विदाउट स्मोक, दैट इज कॉल्ड एलिफेटिक। ओके, सो सम प्रॉपर्टीज वी कैन टेल बाई टचिंग, बाई सीइंग, बाई स्मेलिंग ऑफ ए ऑब्जेक्ट। ओके, ऑफ ए सब्सटेंस, नॉट ऑब्जेक्ट। एंड दीज आर द प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट सब्सटेंस। एंड इन द चेंज ऑफ दिस फिजिकल प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड इट्स फिजिकल चेंज। जैसे कि इसका स्टेट चेंज हो गया, द आइस इज मेल्टिंग इन टू लिक्विड, आइस इज सॉलिड एंड इट इज कन्वर्टिंग इन टू लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड बन गया, आइस सॉलिड था, लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो रहा है, देन इट इज फिजिकल चेंज। एंड इफ द कलर चेंज, इफ़ द सब्सटेंस इज नॉट चेंजिंग, ओनली द कलर चेंज, यानी किसी पदार्थ का कोई पदार्थ में केमिकल परिवर्तन नहीं हुआ, यानी उसमें जो जो सब्सटेंस है वो वही है, बदला नहीं, वाटर वाटर ही है, केवल उसका कलर चेंज हो जाए, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी ही कही जाएगी। बट द वाटर कैन नॉट चेंज इट्स कलर without adding any other substance. But if we are adding this sand in the water, after some time you can find the same water. So addition of sand in the water, this is the physical change. If you are adding some dyes in the water will not the water cannot be get
इन इट्स इनिशियल कंडीशन, इन इट्स इनिशियल सिचुएशन, यानी हमने यदि किसी वाटर कंटेनर में कोई डाई मिला दी, कोई कलर मिला दिया, तो वो वाटर को वापस पहले जैसा प्राप्त नहीं कर सकते हैं. देन इट विल बी कॉल्ड द केमिकल चेंज. इफ द चेंज इज नॉट रिवर्सेबल, यदि होने वाला जो चेंज है वो वापस नहीं हो सकता है, देन इट विल बी द केमिकल चेंज. मतलब उसका तो पदार्थ ही बदल गया, यानी जब केमिकल परिवर्तन हो गया, केमिकल चेंज हो गया, यानी उस सब्सटेंस का कंपोजिशन बदल गया, देन इट विल कॉल्ड द केमिकल चेंज. इफ द चेंज इज ओनली इन द स्टेट, इन अ टेम्परेचर एंड अदर चेंज दैट कैन बी रिवर्सेबल आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. अब हम यहाँ पर पहले तो फिजिकल चेंज की डेफिनेशन देखेंगे, देन आफ्टर वी विल टेक द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ फिजिकल चेंज. दो चेंज इन विच नो न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म, ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता आर कॉल्ड फिजिकल चेंज. यानी कोई नया पदार्थ नहीं बना, जैसे कि आप पेपर को जला रहे हो, पेपर को जलने पर तो उसका ऐश बन जाता है, राख बन जाती है, तो अब उस ऐश से वापस पेपर तो नहीं बना सकते हम लोग. तो ये तो नया पदार्थ बन गया, नया कोई सब्सटेंस बन गया. पेपर और ऐश डिफरेंट सब्सटेंसेस हैं, कागज और राख दोनों अलग अलग पदार्थ हैं. ठीक है, कागज के जलने पर राख बन गई और दोनों अलग अलग पदार्थ हैं, तो ये हुआ केमिकल चेंज. और दूसरा एग्जांपल लेते हैं, वाटर, आइस में भी वाटर ही है, लिक्विड स्टेट में भी वाटर ही है, वेपर में भी वाटर ही है, उसका पदार्थ चेंज हुआ, उसका सब्सटेंस सेम है. तो जब आइस से लिक्विड बना, या लिक्विड से सॉलिड आइस बनी, या फिर लिक्विड से इसकी स्टीम बनी, तो ये इसमें केमिकल चेंज नहीं हुआ, उसका पदार्थ नहीं बदला, देन इट विल कॉल्ड फिजिकल चेंज. ओके, यही सब कुछ इसमें लिखा है. एंड फिजिकल चेंज कैन बी रिवर्सेबल. फिजिकल चेंज होता है वो रिवर्सेबल होता है, यानी उसको वापस किया जा सकता है. जैसे सॉलिड आइस लिक्विड में कन्वर्ट हो गई, और लिक्विड से फिर सॉलिड बन गई, दोनों हो सकता है ना. यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया जाए, फ्रीजर में हम वाटर को रख देते हैं तो आइस बन जाती है, उसको बाहर रख देते हैं फिर उसे लिक्विड बन जाता है, तो रिवर्सिबल है, तो वो फिजिकल चेंज है. वी आर फोल्डिंग ए पेपर, हमारे पास पेपर है, वी आर मेकिंग इट्स अ बोट, टॉय बोट, वी आर मेकिंग इट्स एरोप्लेन, एंड वी कैन अनफोल्ड द पेपर अगेन. मीन्स द चेंज इन द साइज, इन द शेप, इट इज रिवर्सिबल. सो दिस इज द फिजिकल चेंज. ओके, द टेम्परेचर चेंज एज यू सी इन द एग्जाम्पल ऑफ वाटर, टेम्परेचर चेंज इज रिवर्सेबल, सो इट इज ऑल्सो द फिजिकल चेंज. एंड इफ वी आर टेकिंग एग्जाम्पल्स हेयर ऑफ द फिजिकल चेंज, हेयर इज सो मच एग्जाम्पल्स आर गिवन, मेल्टिंग ऑफ आइस, फ्रीजिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग ऑफ वाटर इंटू स्टीम, कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, यानी स्टीम से वापस कंडेंस होने के बाद लिक्विड बन जाए, इवेपोरेशन ऑफ वाटर टू फॉर्म वाटर वेपर, यानी पानी का इवेपोरेशन हुआ, वाटर वेपर बन गई, कंडेंसेशन ऑफ वाटर वेपर टू फॉर्म लिक्विड वाटर, कंडेंसेशन हुआ वाटर वेपर का और लिक्विड वाटर बन गया, सब फिजिकल चेंज, क्योंकि स्टेट बदल रही है केवल, कोई नए सब्सटेंस नहीं बन रहा. कटिंग ऑफ क्लॉथ, कपड़े का काटना, ब्रेकिंग ऑफ चाक स्टिक, यानी हमने चाक के स्टिक को तोड़ दिया. अब ये कहेंगे तो इस चाक को तोड़ करके दोबारा वैसा चाक नहीं प्राप्त कर सकते, कर सकते हैं बेटा, उसका पाउडर बना करके वापस उसको पहले वाली शेप दे सकते हैं. कन्वर्शन ऑफ चौक स्टिक इंटू चौक डस्ट, यानी चौक स्टिक को घिस करके चौक डस्ट बना दी, तो चौक डस्ट से फिर हम चौक बना सकते हैं. ब्रेकिंग ऑफ ग्लास टम्बलर, ग्लास टम्बलर टूट गया तो ग्लास कैन बी मेल्टेड
and it can be given the same shape. Breaking of a wooden stick तो लकड़ी का टूट जाना कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा यहाँ पर, लकड़ी ही है. कटिंग ऑफ लॉग ऑफ वुड, लकड़ी की लट्ठी को काट दीजिए, छोटे टुकड़े हो गए, केवल उसका शेप और साइज चेंज हो रहा है, कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा. मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स पिघल रहा है. फॉर्मुलेशन ऑफ क्लाउड्स, क्लाउड्स बन रहे हैं. पहले वाटर का इवेपोरेशन हुआ, इवेपोरेशन से वेपर बनी, एटमॉस्फेयर में हायर लेवल पे पहुंच करके क्लाउड बन जाते हैं. क्लाउड में फिर वही वाटर वेपर स्मॉल स्मॉल ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होकर के, यानी जो स्मॉल वाटर ड्रॉपलेट्स हैं वह उसका जो बहुत बड़ा मास है वही तो क्लाउड होता है. ड्राइंग ऑफ वेट क्लॉथ, कपड़े जो गीले कपड़े सूख जाएं. डिजोल्विंग साल्ट इन वाटर, वाटर में हम नमक घोल दें तो वाटर से नमक को अलग किया जा सकता है इवेपोरेशन के द्वारा. जैसे हम जो साल्टी वाटर होता है उससे साल्ट प्राप्त करते हैं, तो यदि हमने वाटर में साल्ट डिजोल्व किया तो उसको हम इवेपोरेशन करके साल्ट सेपरेट कर सकते हैं. डिजोल्विंग शुगर इन द वाटर, वही बात है कि भाई हम वाटर में हमने शुगर ऐड किया, उसका सॉल्यूशन बन गया, उसको हीट दिया, वाटर इवेपोरेशन के द्वारा वेपर के रूप में गायब हो गया, वापस हमें जो रेसिड्यू मिला फिर वही रेसिड्यू शुगर ही प्राप्त होता है. मेकिंग सोडा वाटर बाय डिजोल्विंग कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस हमने किसी वाटर में मिला करके हमने सोडा वाटर बना दिया, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस कैन बी कार्बन डाइऑक्साइड गैस that we are adding in the water can be left from the water. Dissolving sugar in water, yani hum sugar glowing of an electric bulb, humne electric bulb jalaya aur tube light jalai to hum usko jalne par usme koi naya padarth thodi ban nahi ban raha hai, तो इसको हम पहली वाली कंडीशन में प्राप्त कर सकते हैं स्विच ऑफ, स्विच ऑन करके. स्ट्रेचिंग ऑफ ए रबर बैंड, एक रबर बैंड को हमने स्ट्रेच किया, उसका शेप और साइज दोनों ही कन बदल गए हैं, उसको वापस छोड़ दिया, पहले वाली इनिशियल शेप और साइज में आ गया. ग्राइंडिंग ऑफ ए सब्सटेंस, किसी पदार्थ को हमने पीस दिया. हैमरिंग ऑफ मेटल टू फॉर्म थिन शीट्स, हमने मेटल्स को पीट करके पतली चादर बना दी. कन्वर्शन ऑफ लिक्विड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फ्रॉम लिक्विड फॉर्म इन सिलेंडर टू द गैसियस फॉर्म व्हेन इट कम आउट ऑफ द सिलेंडर. तो जब एलपीजी गैस सिलेंडर में होती है, लिक्विड स्टेट में होती है, और जब बाहर आती है तो इससे फिर गैस बन जाती है. ये सब जो चेंज बताए गए हैं दीज आर रिवर्सिबल चेंज, देयर इज नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्मिंग, सो दीज आर द फिजिकल चेंज. मेल्टिंग ऑफ आइस एंड फ्रीजिंग ऑफ वाटर विल स्टडी इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कन्वर्शन ऑफ, बॉइलिंग ऑफ वाटर एंड कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, द केस ऑफ चोक स्टिक एंड चोक डस्ट मेकिंग ए सॉल्यूशन, दीज आर द example of physical change. Breaking of a glass tumbler and heating of hexa blade, ये सब हम next module में पढ़ने वाले हैं. It is enough for today.